अभी मैडम यहाँ पर है। हेलो, एक्सक्यूज मैम। हाँ जी जी अब एक बार थोड़ा सा इधर हो जाइए। उनके अंदर चाहिए चार टेबल, बुक्स रैक, अलमीरा, यहाँ पर वॉशिंग मशीन वगैरह भी अवेलेबल है। वाईफाई, आरओ, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, सारी चीज़ें इंक्लूडेड। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पीजी रिव्यू करते हैं और पीजी में जाकर लाइव स्टूडेंट से हम फीडबैक लेते हैं कि पीजी में क्या माहौल है, क्या रेंट है उसमें, या फिर क्या क्या फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को मिल रहा है, ताकि घर बैठे जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल देखते हैं या फिर जो आना चाहते हैं दिल्ली में, उनको एक आइडिया लग जाए कि भाई दिल्ली में पीजी में क्या चल रहा है, कैसा रेंट है, कितने रेंट में मिल रहा है, या फिर कैसा इन्वायरमेंट है, स्टूडेंट्स कैसे तैयारी कर रहा है, क्या क्या संघर्षों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। और इसी पर्पज़ में आज हम आए हैं एक गर्ल्स पीजी में। और ये जो गर्ल्स पीजी है ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी बेस्ट पीजी है। और जैसे कि देख रहा होंगे आप, अभी हम किचन के अंदर ही अवेलेबल है। ठीक है, ये आपको किचन एरिया मिल जाते हैं। ठीक है, और यहीं से खाना वाना बनती है। और अभी तुरंत हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर रूम में आपको इन्वायरमेंट दिखाने के लिए। और ये जो रूम है ये डबल शेयरिंग रूम है। इस साइड दिखा देना, इस साइड में जैसे कि आप देख रहे होंगे दो दो बेड्स लगे हुए हैं। मैडम अभी पढ़ रही है ना, क्लास ले रही है ऑनलाइन। इस साइड का अगर आपको दिखाया, देखिए एकदम आपको सारी मतलब फर्नीचर यहाँ पर मिल जाती है। जो भी चीज़ें आपको रूम के अंदर चाहिए, चार टेबल, बुक्स रैक, अलमीरा, यहाँ पर वॉशिंग मशीन वगैरह भी अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो कमरा है ये अटैच वॉशरूम के साथ है और इसमें कूलर भी लगा हुआ है, पंखा तो ऑलरेडी चल रहा है आप देख रहे होंगे। यहाँ पर अभी हम स्टूडेंट से जानना चाहेंगे कि यहाँ इस पीजी का क्या माहौल है, कब से रह रहा है वो, और सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पज़ में ये पीजी कैसा है, केयरटेकर कैसा है, ऑनर कोऑपरेट करते हैं कि नहीं है, कैसे पढ़ते हैं, या फिर माहौल कैसा है, कौन सी कोचिंग ले रहा है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी मैडम यहाँ पर है। हेलो, एक्सक्यूज मैम। जी जी, अब एक बार थोड़ा सा इधर हो जाइए। जब से इस पीजी में आई हो तब से कोई खाने वाने का कोई प्रॉब्लम नहीं? खाने की कोई इशू नहीं हुई है। खाना भी बहुत टाइमली आ जाता है और खाना भी ना ही ज़्यादा स्पाइसी ना ज़्यादा, मतलब हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छा है खाना, मतलब कोई इशू नहीं है खाने को लेकर के हमें। अच्छा अच्छा, और साफ सफाई का कैसा है? साफ सफाई भी आंटी रोज ही आती है साफ सफाई करने के लिए, पोट वगैरह भी प्रॉपर क्लीन वगैरह होते हैं, सफाई की सारी सामान रखी हुई है। और मेन चीज़ है कि बहुत रिजनेबल प्राइस में ये 7,500 में विद अटैच वॉशरूम हमें दे रहे हैं। ओके, सिर्फ 7,500 में ये पीजी है? हाँ जी हाँ जी, 7,500 में। इसमें ऑल फैसिलिटीज इंक्लूड होगा? वाईफाई, आरओ, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। अच्छा अच्छा, तो एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं देना होता? नहीं, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, सारी चीज़ें इसी में इंक्लूडेड है। सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कैसा है, क्योंकि लड़कियों के लिए देखा जाता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी पहले है ना? सेफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा है इस पीजी में, मतलब 11 o'clock प्रॉपर बंद हो जाते हैं। अच्छा, नीचे से गेट लॉक हो जाता है तो फिर और कोई भी अंदर आ नहीं सकता है। ओके, केयर टेकर वगैरह है यहाँ पर? हाँ जी, केयर टेकर भी रखा है। ओके, कोऑपरेट करते हैं आपको? तो ऑनर खुद ही रहते हैं। अच्छा, नीचे ऑनर भी रहते हैं? हाँ, तो उस हिसाब से कोई इशू होता नहीं होगा फिर? नहीं, अभी तक तो हमें कोई इशू नहीं हुई, मैं जब से आई हूँ तब से तो मेरे को कोई इशू नहीं हुई है। मैं आगे भी होप करूँगी कि मुझे कोई इशू ना हो। आसपास का माहौल कैसा है, पार्क वगैरह है कि नहीं, जिम वगैरह या लाइब्रेरी? यहाँ तो दो दो पार्क है, मतलब और जो भी चीज़ें लेनी हो, दूध वगैरह सब पास में ही मिल जाते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है पढ़ाई के लिए, तो स्पेशली काफ़ी शांत पीसफुल इन्वायरमेंट है, बेस्ट इन्वायरमेंट है। इसके साथ और जो एक रूम पार्टनर रहती है वो मतलब किस चीज़ की तैयारी है? वो UPSC की प्रिपरेशन कर रही है। वो भी बिहार से ही है? नहीं, वो MP से है। अच्छा, तो आप दोनों की ट्यूनिंग कैसी है? काफ़ी अच्छी है, हम आपस में पढ़ाई वगैरह करते हैं। अगर कुछ चीज़ें, अगर वो सी सेट वगैरह से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होती हैं वो आपस में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो सी सेट की कर रही है और मैं SSC की कर रही हूँ, तो मैथ्स तो रीजनिंग वगैरह तो आते ही हैं UPSC में तो। हाँ जी हाँ, और क्या कहना चाहोगे? जो भी मिडिल क्लास फैमिली से स्टूडेंट्स हैं हमें मैसेज करते हैं कि भाई हमें भी PG लेना है, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट, उनको क्या? मैं उन्हें रिकमेंड करूँगी कि ये PG काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है। 7,500 तो यूँ ही उड़ा देते हैं पैसे लोग, और इतने में अगर पीसफुल इन्वायरमेंट मिल रहे हैं तो फिर काफ़ी अच्छा है, लेना चाहिए। और यहाँ के आपने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रखी है? हाँ, मैंने पैरामाउंट ज्वाइन कर रखा था।
तो यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है पीजी? नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस ही है, ज़्यादा सारी चीज़ें पास में ही है, मेन एरिया में ये पीजी है। अभी जैसे कि आप लोगों को कॉर्नर में ये डबल शेयरिंग रूम दिखाया था, सॉरी सिंगल डबल शेयरिंग रूम दिखाया था इस तरफ, अभी ये जो है ये सिंगल रूम है इस पीजी का। और सिंगल रूम में आप देख सकते हो पूरा सारे फर्नीचर आपको मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चार टेबल, कूलर भी लगा हुआ है, ठीक है, और वाईफाई सारी चीज़ें तो यहाँ पर मिलती ही है, बुक्स रैक, यह सारी चीज़ें आपको मिल रही है। कोई भी स्टूडेंट जो दृष्टि में है, संस्कृति में है, या फिर दीक्षांत आईएएस में है, कोई अदर कोचिंग में भी है, तो इस पीजी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये नियरेस्ट जो है पीजी आपको यही पड़ेगा। और गर्ल्स एक्सपीरियंस के लिए ये काफ़ी अफोर्डेबल पीजी है, आपको सस्ते में मिल रहा है, और सारी चीज़ें जो है आपको A1 मिलेगी। यहाँ पर कोई भी चीज़ों की आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी।